आने वाले पिछले दिनों में 2000 आई थिंक ये 9 की बात हो गई या 10 9 की शायद, जलंधर में क्रूसेड था मेरा, बहुत बड़ा क्रूसेड, सब कुछ हो गया, ग्राउंड तैयार हो गई, शाम को 100 लड़के आए, ओ तेरे दी नारे लगाए, कदे होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, और मैं उसी ग्राउंड में था, मैं आराम से खड़ा हूं। सुनो सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, ग्राउंड वाले को डरा दिया, धमका दिया, क्रूसेड नहीं होने दिया, आगे कर लो 10 दिन 5 दिन, वो बात की बात है। आज उसी जलंधर के उसी एरिए से 50% लोग इसी चर्च में आते हैं। आज उसी एरिए का जो एमएलए मेरा दोस्त है, सुनो मेरी बात, जब शैतान आपको देखते हैं तो आपने ये बात ध्यान रखनी कि जो आपसे लड़ रहे हैं वो आपके दुश्मन नहीं। दिल्ली में एक जगह की हम नहीं होने देंगे, दूसरी जगह की, फिर उसके बाद विरोध विरोध विरोध, डोंट वरी। अगर मैंने लड़ना हो, आपको ये मालूम होना चाहिए, दुनिया की हर देश में मेरे लोग हैं, अगर मैं एक कॉल करूंगा सारे एम्बेसीज के बाहर खड़े हो जाएंगे, सुनो मेरी बात, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो हम सरकारों से लड़ने वाले लोग हैं, ना तो अपने देश की बदनामी होने देने वाले लोग हैं। हालेलुया। दुनिया के हर कोने में आप देश का नाम लो, वहां मेरे लोग बैठे, एक कॉल पे वो सब जगह ब्लॉक्स कर देंगे, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से, उस एरिया का जो नशे वाला दुष्ट आत्मा है, व्यभिचार का दुष्ट आत्मा है, बीमारी का दुष्ट आत्मा है, वो लड़ रहे हैं आपसे, इंसान थोड़ी लड़ रहे हैं। और जीत हमारी, कुछ कर लो तुम, पूरा जोर लगा लो, कुछ नहीं होगा, हम जीत चुके हैं ऑलरेडी, हम जन्मे जीते हुए हैं, आए जीते हुए, आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। आपको यह बात ध्यान रखनी, हमारी लड़ाई आत्मिक, क्योंकि यीशु मसीह को तो दिख रहा है, आओ पार चलें, और इसलिए यीशु मसीह सो रहे हैं, कहते तुझे चिंता नहीं है प्रभु, तू सेंसिटिव नहीं है, तुझे मालूम नहीं क्या हुआ आज हमारे साथ, हम मरने वाले थे, यहां पे तूफान आ गया, तेरे को मालूम नहीं, तू उठा नहीं, तेरे को चिंता बढ़ी, तू सोया हुआ, तू आलसी है, जैसे हम परमेश्वर को बोलते कई बार, उसको हमारा पता नहीं, उसे दिख नहीं रहा, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता तो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अगर गाड़ी में यीशु मसीह को स्टेरिंग दिया है, उसको ड्राइवर सीट पे बिठाया है, तो उसे गाइड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो सालों लाखों करोड़ों खरबों सालों से गाड़ियां चलाता आ रहे हैं। हमारा जन्म तो अब हुआ, धरती भी बाद में जन्मी, बाइबल कहती है परमेश्वर का ना आदि है ना अंत है, वो समय से पार पैदा हुआ है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।